खा चुकी हैं ये वाली मूवीज भी। गाइस वेलकम बैक टू नी ब्लॉग। तो गाइस सुबह चुके और सुबह का टाइम हो रहा है 9 और गाइस आज मेरे यहाँ थोड़ी पूजा है। किस चीज की पूजा है भैया? शंकर जी की। शंकर जी की? हाँ। आज कौन सी पूजा होती शंकर जी की? बप्पा जी ने बोला है। बप्पा जी ने बोला है आज? अच्छा हाँ, आपकी मम्मा के 16 सोमवार पूजने हैं ना? हाँ 16 सोमवार पूजने हैं तो उसकी पूजा है। तो गाइस दादी ने बोला है, दादी ने पैसे दिए हैं तो वो कह रही हैं कि दूध लेकर आओ, जल्दी लेकर आना क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे सब रखा है, अभी टीवी में देख देख के पढ़ रहा था, तो मैं जल्दी से दूध लेकर आता हूँ फिर मिलता हूँ गाइस। तो गाइस आज आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि आज मेरे यहाँ है शंकर जी की पूजा, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, लेकिन कपड़े मैंने वही पहन लिए। मम्मी कहती अब तुम यही कपड़े पहने रहोगे पूजा में भी, अच्छे कपड़े पहने। तो गाइस मैं अब थोड़े अच्छे कपड़े पहन कर आता हूँ। गाइस अब मैं पूजा में जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो भैया चलें? हाँ। चलो पूजा में चलते हैं, सब लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। तो गाइस हम पूजा अब देख पूजा दिखाएंगे आप लोग को। देखो शंकर की आवाज़ आ रही है। चलो भैया चलो 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 भागो 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 भागो। तो गाइस सब तैयार हो चुके हैं, पंडित जी बन चुके हैं सब। पंडित जी सब पंडित जी बन चुके हैं, यहाँ पे सब तैयारी हो रही है जी। ये देखो पंडित जी आए हैं और पापा पंडित जी नहीं बने हैं, पंडित जी बनना था। पंडित जी बन के आए क्या? नहीं अब ऐसे ही ठीक हो। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है, टेस्टी टेस्टी प्रसाद बन गया है। अच्छा और यहाँ पूजा की पूरी सीख रही है। और खाने के लिए खाने का बन के रख गया है। अच्छा दाल चावल बनाओ बनाओ। ओम शुद्धवार आय सर्व शुद्धवार मनुषा आशना आशीता आशीता चोरता नमो रूप पार्जन्य शुद्धोदान जलम समर्पयामि। मुद्रा भगवान दीताभ्यो नमो नमः। कलश भगवान दीताभ्यो नमो नमः। दीप देताभ्यो नमः। श्री भवानी शंकरदेताभ्यो नमो नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सजा पुरस्ता आयुश्शुभ्रं कुरुशुभ्रं यज्ञोपवीतं भ्रमस्तु तेजः गणेश भगवान् दीताभ्यो नमः। भक्ति से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, कोई उपाय हो तो आप बतलाने की महान कृपा करें। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप श्री शत्रु भगवान जी का पूजन करें, कथा श्रवण करें, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके व्रत का विधान पूछा, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो भगवान ने व्रत का विधान बतलाया ब्राह्मण के लिए और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ब्राह्मण देवता घर पर आते हैं और रात्रि भर नींद नहीं आती है, मन में विचार करते चिंतन करते कि भगवान जी का पूजन और कथा किस प्रकार की जाए। चिंतन करते करते रात्रि व्यतीत हो जाती है, प्रातः काल उठे नित्य क्रम पूजा पाठ संध्या वंदन करने के बाद संकल्प किया। अच्छी पूजा हुई कि मुझे रोना आ गया। देखो क्या बताए गाइस, रोना आ गया मेरे को, तो इतनी अच्छी पूजा हुई। आए हाय ये लड़की क्यों नहीं रोई, मेरे को तो देखो आंसू आ रहे। देखो आए हाय हाय बहुत अच्छा लगा गाइस पूजा करके। तो पूजा समाप्त हो चुकी है, अब भोजन खाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4 और अभी तक खाना नहीं खाया हम लोग ने। चल भले जैसे मम्मा ने भी चिल्ला दिया उसको।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4, अभी तक खाना नहीं खाया है, व्रत है आज हमारा लगता है। तो गाइस अब खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लगी और ये आंसू तो आए जा रहे हैं कि देखो। तो गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद। गाइस आज भैया बनाएगा सैंडविच। लेकिन भैया पहले बनाएगा सैंडविच, यहाँ पे सिर्फ भैया की चलती है और किसी की नहीं है ना। देखते हैं भैया कैसे बनाता है सैंडविच, कैसे बनाते हैं। म्यूनिस ये हाँ। ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गई। अरे वहाँ दूसरे खंड में भरी वाही तो रखी थी। कहाँ? ऊपर वाले खंड में देखो ये। यहाँ से चम्मच निकल गई। चलो भाई क्या चूज करें, मिर्ची या एक्स्ट्रा? पहले मेयोनीज। आपको तो वैसे मेयोनीज पसंद नहीं है, तो आप फिर भी डाल दो, आप बना रहे हो इसलिए खा लेंगे। खा के देखो ये वाली मेयोनीज, वो मोमोज के साथ आने वाली मेयोनीज जैसी नहीं है। बस थोड़ी चटनी और लगाओ, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं खाते, वैसे खाना तो आपको है, हमें नहीं। जल्दी जल्दी करो चटनी लगाओ, बस हो गया, वो तो लग गई। अब इसे इस बार चटनी चिंग चौई चा। चाची भैया का सैंडविच बन रहा। कंजूसी की भी हद होती है भैया। हम इसलिए इतनी कम डाली है ताकि ज़्यादा मिर्ची ना। नहीं हमें नहीं लगती मिर्ची। अच्छा बस अब इसको लगा दो पूरे में। इतनी सारी डाली थी हमने। बस बन गया सैंडविच। अब इन ब्रेड को जोड़ना तो है। हैं फिर टेस्ट ही नहीं आएगा उसका, ब्रेड को जोड़ोगे तो। बस हो गया। चलो तो गाइस ये है भैया का सैंडविच। नहीं वो नहीं, एक ही ब्रेड सही है। तो गाइस इसको खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है भैया ने बनाया है। गाइस बन चुके हैं शंकर जी के भक्त, देख सकते हैं मुझे पंडित जी ने मस्त टीका लगाया था एकदम। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ इस टीके में बताना जरूर। राम जी, हनुमान जी, भगवान जी, शंकर जी, हर किसी के भक्त हैं हम। और गाइस अभी मुझे एक चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रही है। अभी मैं देखो अभी मैं पढ़ रहा था तो जो शंकर जी की पूजा हुई थी, शंकर जी बनाए गए थे, वो लोग ये लोग सराहने गए, इन लोग ने हमें बताया नहीं, इससे हम पढ़ेंगे और अगर उन्होंने बताया तो हम उनके साथ चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने बताया नहीं तो हम वहाँ की वीडियो बना लेते, और हम पढ़ रहे थे इसलिए उन्होंने बताया नहीं, इसलिए निकल गए चुपके से ये लोग। अब आए हैं तो ये लोग देखो ये चिप्स लेकर आए हैं ये, लेकिन ये हैं कौन से स्वीट वाले फ्लेवर के, और स्वीट फ्लेवर हम बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो 3 पैकेट लाए होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इसके लिए लेस वाले 2 पैकेट लाए थे और एक ये स्वीट वाले। तो इन लोग ने जल्दी से चालाकी से दी, भैया और रुद्र ने ये स्वीट वाले हमें दे दिए और अच्छे वाले खुद ने रख लिए, चिली वाले। रुक जा हम इन लोग की खैर लेते हैं, रुक जा बताते हैं इन लोग को नीचे जाके हम। ये होशियार तेरी, तुमने हमें स्वीट वाला, हमें स्वीट फ्लेवर का चिप क्यों दिया? क्यों दिया स्वीट फ्लेवर का? हमें क्या पता था, हमें थोड़ी ना सारे चिप्स के फ्लेवर पता रहता है। हाँ आपको सब पता रहता है, आप दोनों ने चालाकी से खुद ने अच्छे अच्छे वाले ले लिए दीदी, और आपने दोनों चालाकी करके और हमें दे दिया वो स्वीट वाला। हमें थोड़ी ना टेस्ट पता रहता। अरे वाह आपको सब पता रहता है। अच्छा तो उस दिन जो ग्रीन वाला क्या है ये? रुक जा हम तुम्हारा वाला चिप्स का पैकेट रख ले रहा है, छुपा के रखी है महंगा, वो भी 30 रुपए का था, ये भी 30 रुपए का था, है छुपा के रखी थी बड़ी, हमें पहले ही देख लिया था हमने। देख ये देकर आओ तुम, जाओ तुम बेटर, जाके घर में खाना देकर आओ। पैकेट का एक ही तो था वो, एक ही तो रेट था। चल मैं इधर से
अच्छी लगी, अच्छी लगी। तो गाइस आप लोग आज के ब्लॉग में थोड़े बोर हो गए होंगे, क्योंकि आज के ब्लॉग में ज़्यादातर पूजा दिखाई है, ज़्यादा मस्ती नहीं दिखाई है। पता नहीं आजकल की जनरेशन तो हम क्या बताएं, पूजा कम देखते हैं, उनको पूजा कम पसंद आती है और दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।